आप भूखे भी मर रहे होंगे ना साहब, आप कहेंगे नहीं हम एक चोट और मारेंगे हिंदुस्तान को मरने से पहले। सपोर्ट कर रहा है फार्मर प्रोटेस्ट को, पैसे आ रहे हैं उनके पास बहुत बड़े स्केल पे, पाकिस्तान आईएसआई का भी नाम मैंने सुना, मतलब आपके शोज में जब मैं पार्टिसिपेट करता हूं तो वो कहते हैं यार कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ हम ये भी क्लेम करते हैं कि यार पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, और आज हमें $50 करोड़ का उन्होंने आईएमएफ ने अप्रूव किया है और जो कंडीशन लगाई है, तो हमारा जो बचा कुचा खून है उसको मजीद चूसा जाएगा, तो उन्हीं कंडीशन पे पाकिस्तान को उधार मिल रहा है $50 करोड़ का, जो 6 अरब में से थोड़ा थोड़ा करके वो लोग दे रहे हैं। इतनी सख्त कंडीशन के बावजूद पाकिस्तान इतने पैसे कहां से लेके आएगा कि दिल्ली के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट कर सकता हो? मतलब ये मजाक तो नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मैं बताता हूं आपको। जी जी, आप इसको लॉजिकली समझना, बिकॉज मेरी आदत है कि मैं जरा मैं रेटोरिक में नहीं जाता सर। बहुत अच्छी बात, यानी कि लॉजिक के ऊपर बात करता हूं, फैक्ट्स। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। आपके मुल्क को, पाकिस्तान को खतरा किससे है बताओ? हिंदुस्तान ने अपनी 1000 साल की तारीख में कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, कम किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जाके हमने कभी अटैक नहीं किया। 47 की 48 की बात कर लो, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुसने की कोशिश की गई थी। जी जी, 63 की बात हो तब भी, 62 में चाइना इधर आया, 63 में आपने अक्षय चिन्ह का जो इलाका आपके कब्जे में था वो चाइना को आपने हैंड ओवर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपके ऊपर ईरान से या नीचे कराची से समुंदर आपके ऊपर अटैक कर दे तो कर दे साहब, कोई सुनामी आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, पर हिंदुस्तान ने आपके मुल्क के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। हमने रिटेलिएट जरूर किया है, हमने अपने आप को डिफेंड जरूर किया है। आपकी प्रायोरिटीज, मैंने आपको जो सबसे पहली बात हमारे आपके डिस्कशन में हुई थी पकर भाई, हमने कहा था कि हमारी प्रायोरिटीज में और आपकी प्रायोरिटीज में फर्क है। बिल्कुल, आप भूखे भी मरते होंगे ना साहब जी, आपका मुल्क के मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज है, मेरा आपसे मेरी मुराद है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान की बात, आपके मुल्क की। जी जी बिल्कुल, आप भूखे भी मर रहे होंगे ना साहब, आप कहेंगे नहीं हम एक चोट और मारेंगे हिंदुस्तान को मरने से पहले। ये हालात, मतलब अगर ये सोच हो किसी मुल्क की, तो आप कह रहे हैं साहब कि हमने $50 करोड़ का लोन लिया, अपनी फौज को बोलो ना पैसे दे, ये इतनी वो फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, इतने धंधे कर रहे हैं, इनको बोलो ना दे पैसा। पिज्जा भी बहुत बड़ा अच्छा पिज्जा भी बेचते हैं जी, बहुत बड़ा पिज्जा के मतलब आउटलेट्स भी है, तकरीबन मोर देन 100 आउटलेट्स भी है। उनको बोलो ना पापा जोन्स को कि थोड़ा सा पैसा इधर भी दो। आपके मुल्क के वजीर आजम को नान के रेट फिक्स करने पड़ते हैं, इनको बोलो ना पिज्जा खिलाए सबको। जरूरत क्या है, नान के ऊपर लगाओ चीज और पिज्जा खिलाओ सबको। देखो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास मोस्ट डेफिनेटली अपने सर्वाइवल के लिए दिक्कत है, और ये पैसा जो ले रहे हैं, अच्छा ये देखिए अभी समझने की बात ये है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो आपके जितने मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है वो समझ ले इस बात को। जी जी जी, कि आपने आज तक जितना पैसा यूज किया, मैंने अभी कहा ना कि ये गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रैशनल स्पेंडिंग कर रही है। रैशनल का मतलब जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पहले खर्च। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन पे पैसे खर्च। जब कोविड सिचुएशन क्रिएट हुए हमारी कंट्री में एक पीपीई नहीं बनता था सर, एक किट नहीं बनती थी, आज हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हमारे पास ये वेंटिलेटर्स की कमी थी, आज हम सरप्लस में है। वैक्सीन दुनिया को अगर कोई दे रहा है तो हम दे रहे हैं। अरे हम लोगों ने लीड ली ना, हमारी प्रायोरिटी थी, हमने किया ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है साहब, मैं बताऊं? आपसे बहुत दूर नहीं जहां पे आप रहते हैं, आपने दर्रे का नाम सुना, दर्रा आराम खेल? मैं बिल्कुल जाता रहता हूं, बहुत सारे दोस्त रहते हैं मेरे वहां पर। तो दर्रे की इंडस्ट्री क्या बताओ साहब आप मेरे को? असले की आर्सेनल वेपन्स, ठीक है साहब? आप उनको एक वेपन, कोई भी अच्छे से अच्छा वेपन ला के दे दो, वो आपको 15 दिन में कॉपी बना के दे देंगे उसकी। यस बिल्कुल, और कई बार वो कॉपी बेहतर होगी असली से। yes. ये दर्रे आप लोगों ने साहब टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, आप दर्रे में वेपन बना रहे, और वेपन किसको मारेंगे भाई? वो मजहब पूछ के या पासपोर्ट देख के गोली लगती है क्या? नहीं, गोली तो चली और लगी। yes.
और अब आपका मुल्क खुद उस तकलीफ का शिकार हो रहा है साहब। आप कहते हैं कि आपके मुल्क के पास पैसा नहीं, मैं बताता हूँ, पाकिस्तानी आर्मी, आपकी जो ISI है, जो आपकी ISPR है, आप लोगों का जो प्रायोरिटी है, आपकी जो प्राथमिकता है, वो हिंदुस्तान का नाश और सर्वनाश है। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी और ये प्रायोरिटी होगी कि साहब हमने पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है, उस दिन से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये दिशा की बात हो रही है ना, आपको दिशा परिवर्तन की जरूरत है, आपके मुल्क को दिशा परिवर्तन की जरूरत है। यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन, आपकी प्रायोरिटीज बहुत गलत है सर। और ये बार बार नैरेटिव मैं आपको वाजे तौर पर बता रहा हूं कि ना तो भारत की हमारी सरकार, ना हमारी भारतीय फौज आपके मुल्क को खाना चाहते, ना हड़पना चाहते। केवल जो हिस्सा आपने जबरदस्ती कब्जाया हुआ है वो आपसे वापस लेना है, खलास। और हम, मैं नाते कहता हूं साहब, मैं सरदार होने के नाते कहता हूं, सुनिए कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि करतारपुर साहब आपके पास है, ननकाना साहब आपके पास है, पंजा साहब आपके, हमने तस्लीम कर लिया इस बात। हम आएंगे, हम पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा लेके आएंगे, हम अपने गुरुओं के दर्शन करेंगे और आप वापस जाएंगे, कोई बात नहीं। वो आपका हक है, आपका बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है वो जी। तो वो आपके फंडामेंटल राइट है, एहसान नहीं आपके ऊपर, बिल्कुल आपका मतलब जो आपके वर्शिप की जगह है, कटास राज मंदिर है, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान किसी पे एहसान नहीं करेगा। अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनका हक बनता है, वो खाना उनको बिल्कुल देना है। $20 की फीस लगा दी ना साहब, ये बिल्कुल, और वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके उन्होंने इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया वापस गुरुद्वारा साहब का मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि साहब ये लोग पिन प्रिकिंग कर रहे हैं, सुइयां चुभ रहे हैं हमारे को। और वो ऑपरेशन टोपास था ना सर, जनरल हक का यही तो था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स।